इस वोल्टास के एसी में वाटर लीकेज हो रहा है और थोड़ा अलग टाइप का मुझे ये वाटर लीकेज दिखा। इसी कारण से मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हैं वाटर लीकेज किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वाटर लीक हो रहा है पानी। और इससे क्या हो रहा है कि ज़मीन हमारा जो बेस है वो पूरा का पूरा भीग जा रहा है, जिससे घरों में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ हम लोग ये समझेंगे, एसी तो हमारा चल रहा है, इंडोर यूनिट में पानी तो गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बैक साइड जो हमारा है उस जगह पे भी वाटर लीकेज हो रहा है। पीछे के साइड में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वाटर लीकेज नहीं मतलब जो पानी आता है वो सेम उसी तरह से आ रहा है यहाँ पे। सिर्फ लाइन आपका यही है कि बैक साइड से ही पानी आना चाहिए, इंटरनली अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है और अंदर के साइड में भी पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है अब इसे आप ध्यान से समझिएगा कि हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लॉक को ओपन करेंगे, क्योंकि लॉक ओपन करेंगे तभी इंटरनली पार्ट हमें दिख पाएगा कि वाटर लीकेज किस जगह से हो रहा है। तो देख सकते हो ऊपर के साइड में लॉक है, कुछ लॉक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक टाइप को दिख रहा है, इसको पुश करके ऊपर की तरफ टानना पड़ता है तभी आपका ये ओपन हो पाएगा कैबिनेट। ठीक है, और स्क्रू वगैरह भी रहता है। तो यहाँ पर खोल करके मैंने चालू किया और इसे मैंने चेक किया तो यहाँ अंदर के साइड भी आ रहा था और बैक साइड से भी सेम इसी प्रकार से आ रहा था, यहाँ नीचे के साइड से। अब समझिए क्यों ये हो रहा था, बैक साइड में ड्रेन लाइन है, मैं आप लोगों को दिखा करके बताता हूँ। यहाँ देख सकते हो बैक साइड में ड्रेन लाइन रहता है, जिससे हम लोगों का पानी पीछे के साइड से होते हुए सामने मेन ट्रे में आता है और बैक साइड में पानी ड्रेन हो जाता है। लेकिन इसी में गंदगी था बहुत ज़्यादा बैक साइड में, तो वो गंदगी की वजह से क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा पानी बाईपास नहीं करके बैक साइड से ही पानी आ रहा था अंदर से इंटरनली। ठीक है, तो उसको क्लीन मैंने किया प्रॉपर तरीके से, लॉक ओपन करके सिर्फ लॉक ओपन किया, इजिली वो क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद ये साइड राइट साइड में देख रहे हैं इस तरफ से पानी आना शुरू हो गया, बैक साइड वाला पानी राइट साइड से ही आता है जो कि अंदर के साइड से होकर के पीछे के साइड चल जाता है। तो उसके बाद मैंने चालू किया एसी को और फिर दोबारा बैक साइड गया चेक करने के लिए कि अंदर तो पानी नहीं आ रहा है और पीछे के साइड देखते हैं, तो पीछे के साइड बहुत अच्छे तरीके से पानी आ रहा था, कोई तरह का इशू नहीं है, बैक साइड से आ रहा है पानी, लेकिन हमारा अंदर के साइड से नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो गया हमारा। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको होता है, अंदर के साइड भी पानी आता है बैक साइड में भी पानी आता है, तो एक बार आपको लॉक ओपन करके बैक साइड का आपको ड्रेन लाइनिंग को चेक करना होगा, क्योंकि उसमें गंदगी आ जाएगा या फिर कुछ सामान वगैरह गिर गया तो उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो यही कारण से मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा कि आप लोगों को नॉलेज में आए कि पानी लीकेज से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।